पंजाब सरकार वालों कोरोना महामारी के नवे नियमों के तहत श्री हरिमंदर साहिब दे विच आउण वाले श्रद्धालुओं ते नवे नियम लागू किए गए ने। पंजाब सरकार दीयां नवीयां हदायतां दी लोक किस तरह पालना करनगे? अज तो जड़ा है ये नवीयां गाइडलाइनस आ गई ने, जिहड़ियां कि पिछली जिहड़ी असी रिस्ट्रिक्शनस लागू कीतियां सीगियां उहनां दे विच वाधा करदे होए 5 बजे तक हुण दुकानां जिहड़ियां शाम नूं खुल्लणगियां, 6 बजे जिहड़ा है करफ्यू लगा दिता जाएगा जो पहलां 8 बजे तक सी। सो दुकानां 5 बजे बंद हो जाणगियां, 6 बजे करफ्यू इंपोज कर दिता गया, 1 घंटे का वक्फा है कि लोग जिहड़ा है अपने घरां तक जो जा सकन या वाइंड अप कर सकन दफ्तर वगैरह चों। दैन ये जिहड़ा है वीकेंड दे उत्ते सैचरडे संडे बिल्कुल करफ्यू रहेगा, सैचरडे सवेरे 5 बजे तो लैके मंडे सवेरे 5 बजे तक ये करफ्यू लागू रहेगा। 5 बजे जो दुकाना बंद हो रही ने सिर्फ टेक अवे जड़ा है वह 9 बजे शाम तक खुला रहेगा, वो जड़ा है बाय ऑर्डर टेक अवे उतों लै मतलब कि मंगवाया होम डिलीवरी की जा सकती है, टेक अवे नहीं होम डिलीवरी करवाई जा सकेगी। और जिन्हों छोट है वह सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्करस जिहड़े कोई काम कार फैक्ट्रीज वगैरह चल रहा उन्होंने कोल भी उन्होंने इंडस्ट्री के रिलेटेड लैटर पैड से या उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड होणगे उन्होंने जोड़ा है उन्होंने आई कार्ड में देखते हुए पुलिस जी उन्होंने उन्होंने काम से जान देगी। एग्रीकल्चर का जोड़ा काम कार चल रहा है प्रक्योरमेंट चल रही है उन्होंने इतों छोट होगी। दूसरा जे कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही हैगी है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जी है उन्होंने चलन दिता जाएगा क्योंकि लेबर वगैरह इनवॉल्व हैगी है तो वो अपने पर इन सारिया चीज़ों कोविड के जोड़े नॉर्म्स ने जिसे मास्क पहनना दूरी रखनी और हाथ साफ करते रहना यह सारिया चीज़ा लागू रहनगियाँ। सो इस तरीके जोड़ा है हूँ ये सख्ती की गई हैगी है और इंश्योर किया जाएगा कि यदा मेन मकसद यही है कि जी कोविड का रफ्तार इन्नी तेज़ी ना है लॉकडाउन मुकम्मल लाए बिना इस तरीके की सख्ती करके पार्शल जड़ा है विच जड़ा है मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि जी लोगों की अपना इन्नी रफ्तार नाल चेन हैगी है करोना की वध रही है उन्होंने किसी तरीके रोकया जा सके। सो ये सख्तियाँ जड़ियाँ है अज शाम तो तुरंत लागू होनगियाँ। इंस्पेक्टर सर ठेकियाँ की पीछे क्योंकि बहुत सारा सवाल सब तो पहले हुई खड़ा साढ़े कोई उन्होंने एग्जम्पशन जो रिटर्न आएगी तो ठीक है अदरवाइज साढ़े कोई एग्जम्पशन नहीं है सारे से लागू रहेगा। ठेके बंद होंगे 5 बजे बिल्कुल बंद हो गए जी सारे बंद हो गए। तो सर इस तो अलावा जो मैरिज पैलेसा तो अज भी देख रहे हैं कि भीड़ जमा हो रही है बाहरों उन्होंने ताले लाए हैं अंदरों काम चलता। कल भी एक पैलेस जो है एस डी एम साहब ने सील इस तरह का उन्होंने शिकायत मिली थी उन्होंने किया जे कोई भी इस तरह का पैलेस का मालक कोई उलंघना करता पाया गया उन्होंने वो प्रमाइस सील कर दिए जाएंगे जी और उन्होंने जोड़ा है बिल्कुल जोड़े उत्थे ऑर्गनाइजर्स ने उन्होंने खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। शनिवार की रहेगा शनिवार बिल्कुल करफ्यू सर ये लॉकडाउन एक करफ्यू है मतलब दो चीज़ा ने कई जरिए शनिवार क्योंकि जी लॉकडाउन की एक अलग डेफिनेशन क्योंकि लफ्ज़ नवा लोगों आ गया भी लॉकडाउन करफ्यू मीनस लॉकडाउन के कई बार की है ताड़िया कुछ जोड़ा है एग्जम्पशनस बिल्कुल नहीं दित्तियां जांदियां उदे किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होंगी चाहे वो इंडस्ट्रियल होवे दूसरा वो बिल्कुल एक किस्म का बंद कर दिता जाता है। करफ्यू के हैगा कि रिस्ट्रिक्शन की जाती है लेकिन कुछ चीज़ों की जी छोट है जिस तरह इंडस्ट्रियल वर्करस है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है लोगों ने ट्रैवलर है कोई जो आ गया किसी थान तो उदन उन्होंने घर तक जाने लिए जी आज्ञा सो ये चीज़ा कुछ है लॉकडाउन च पूरिया ईवन बस सर्विस दूजा तीजा सब बंद हो जाए हैं। करफ्यू के हों रिस्ट्रिक्शन इंपोज हो जाए हैं लॉकडाउन नहीं होंगे है। तो हूँ इस अलावा लोगों को अपील करना चाहोगे? मेरे ख्याल हुण लोगों ते अपील की करनी है जी आपां नूं सब नूं पता है कि आपां कोविड-19 दी सैकेंड जिहड़ी सर्ज हैगी है उहदे किन्ना हालातों च आपां पहुँच गए हैगे हैं जदों कि एक एक जिंदगी ऑक्सीजन वास्ते जिहड़ी है असी मतलब कि तरलो मच्छी हो रहे हैं कि सानूं ऑक्सीजन क्योंकि साड़ी प्रोडक्शन ऑक्सीजन की उन्नी नहीं है जिनी सानू चाहिए है मरीजों को पिछों सप्लाई चेन दे विच बहुत औकड़ा आ रही ने। सो इस करके इन हालातों जो एक एक बंदा अपनी जान की लड़ाई लड़ रहा है और ऑक्सीजन लिए आप देख रहे हैं भी किस तरीके परिवार परेशान ने और एक मतलब कि हॉस्पिटलों के चक्कर मार रहे हैं इन हालातों भी जे असी कोविड वर्गी महामारी हल्के च लै रहे हैं या असी ये सोच रहे हैं कि अजे भी ये कोई मतलब कि बहस करता है या ये ते कोई होर टीका टिप्पणी करता है तो मेरे ख्याल नाल हालात आप ही उस गल का जवाब उन्होंने देंगे ने कि हालातों च है जे असी चाहते हैं कि आप इस चीज़ तो निकल जाइए बाहर और सुख शांत निकल जाइए आप अजे भी अपनी जी मूवमेंट है इनू घटा दीए
ताकि आने वाले 10-15-20 दिनों के जे मूवमेंट रोक लेने तो उम्मीद है कि घट्टो घट ये सिचुएशन होर खराब ना होए आप इतों वापस मुड़ जाइए। लेकिन जे असी एक्टिविटी नहीं घटाई तोरा फेरा इस तरीके रखिया मिलन गिलन तो नहीं हटे परहेज नहीं किया तो असी जी ये लड़ाई होर अपने आप लंबी कर रहे हैं ये असी कोई फायदा नहीं कर रहे किसी का। रिस्पेक्टेड सर एक डायनिंग लैके रेस्टोरेंट डायनिंग लैके कि रिस्ट्रिक्शन ने बिल्कुल बिल्कुल क्लीयर है जी। वो वाला इस नवे हुक्म के नाल जो है बिल्कुल डाइनिंग उत्थे होना ही नहीं होम डिलीवरी की उन्होंने गल करती है कोई सारा दिन जरा 6 बजे तक बिठा सकते हो 5 बजे तक का जरा सारा है उदन शॉप मॉल्स वगैरह 5 बजे तक का सारा जरा है वो लागू रहेगा जी। सर जरा कोई फॉलो नहीं करता तो कि धारा कार्रवाई क्योंकि 188 की धारा सर बहुत छोटी है लोग बहुत छोटा समझते इस चीज़ में। चलो जी मेरे ख्याल कानून की धारा जी है हूँ असी जो उन्होंने सजावान के नाल ही व्डा तो छोटा मनना है वो वक्री गल हैगी है लेकिन एक कानून की उलंघना है और सानू अपने एज अ सिटीजन या समाजिक क्योंकि असी कोई लोग क्रिमिनल तो है नहीं आम लोग ठीक है कि नहीं एक समाजिक थोड़ा जहा एक रिस्पोंसिबिलिटी समझने की गल हैगी है। कानून की उलंघना भावें वो एक दो लैणा का प्रबंधकी हुक्म है वह भी वायलेशन है तो जे असी क्योंकि असी एक समाजिक तौर पर सारे विचर रहे हैं वी आर नॉट कोई क्रिमिनल वाली गल नहीं है। सो इस करके यदा मतलब यह नहीं है कि जे 188 की वायलेशन है तो वह सज़ा घट है तो असी उसकी वायलेशन कर दिए जुर्म जुर्म है ये चीज़ा फिर बाद दे विच बड़ा मुश्किल पेश आती है जे कोई जवान बच्चा जुर्म कर रहा है कल उन्हें बाहर जाना है तो परचा जिहड़ा हैगा भावें वह छोटा जिहा भी हैगा कल उन्होंने कैरियर लिए पासपोर्ट बनाना कुछ बनाने चीज़ा बड़े आड़े आदियां ने अपन इन्हों हल्के नहीं लेना चाहिए।